नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो को पूरी जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, भगवान विष्णु का पाषाण रूप है शालिग्राम। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि व श्री लक्ष्मी जी के साथ सभी तीर्थ निवास करते हैं। हिमालय पर्वत के मध्य भाग में शालिग्राम पर्वत है। यहाँ भगवान विष्णु के गंड स्थल से गंडकी नदी निकलती है। वहाँ से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। वहाँ रहने वाले कीड़े अपने तीखे दांतों से शिला को काट काट कर उसमें चक्र, वनमाला, गाय की खुर आदि का चिन्ह बना देते हैं। भगवान विष्णु को सर्वव्यापक होने पर भी शालिग्राम शिला में साक्षात रूप से रहते हैं। जैसे काठ में अग्नि गुप्त रूप से रहती है, इसीलिए इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और पूजा में भी आवाहन व विसर्जन नहीं किया जाता। शालिग्राम शिला में भगवान की उपस्थिति का सबसे सुंदर उदाहरण वृंदावन में श्री राधा रमण जी हैं, जो शालिग्राम शिला से ही प्रकट हुए हैं। और इसी की कथा इस प्रकार है। एक बार श्री गोपाल भट्ट जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो सूर्य को अर्घ्य देते समय एक अद्भुत शालिग्राम शिला उनकी अंजलि में आ गई, जिसे वे वृंदावन लाकर पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन एक सेठ ने वृंदावन में भगवान के सभी विग्रहों के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण बांटे। श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र आभूषण मिले, परंतु वे उन्हें शालिग्राम को कैसे धारण कराते। भट्ट जी के मन में भाव आ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य विग्रहों की तरह हस्त और पाद होते तो मैं उन्हें सजाता। यह विचार करते उन्हें नींद आ गई। प्रातःकाल जब उठे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके शालिग्राम द्वादश अंगुल के ललित त्रिभंगी दो भुजाओं वाले मुस्कुराते हुए श्री राधा रमन बन गए। इस प्रसंग के लिए इससे ज़्यादा सुंदर उदाहरण कोई हो नहीं सकता। शालिग्राम और तुलसी। छल पूर्वक तुलसी का पतिव्रत भंग करने के कारण भगवान श्री हरि को साप देते हुए तुलसी ने कहा, आपका हृदय पाषाण के समान है, अतः अब आप मेरे साप से आप पाषाण रूप होकर पृथ्वी पर रहें। भगवान विष्णु पतिव्रता तुलसी के साप से शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा को भी तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई। शालिग्राम जी पर से केवल शयन करते समय ही तुलसी हटाकर बगल में रख दी जाती है। इसके अलावा वे कभी तुलसी अलग से अलग नहीं होते। जो शालिग्राम पर से तुलसी पत्र हटा देता है, वो दूसरे जन्म में पत्नी विहीन होता है। सुख समृद्धि और मोक्ष देने वाली विभिन्न प्रकार से शालिग्राम शिलाएं। आकृति में विभिन्नता से शालिग्राम शिला अनेक प्रकारों की होती है, जिसमें एक द्वार का चरण, द्वार का चिन्ह, चार चक्र और वनमाला हो वह श्याम वर्ण का हो वह शिला लक्ष्मी नारायण का रूप होती है। एक द्वार चार चक्र श्याम वर्ण की शिला लक्ष्मी जनार्दन कहलाती है। दो द्वार चार चक्र गाय की खुर का चिन्ह वाली शिला राघवेंद्र का रूप होती है, जिसमें दो बहुत छोटे चक्र चिन्ह वह श्याम वर्ण हो वह दधि वामन कहलाती है। गृहस्थों के लिए इसकी पूजा अत्यंत शुभ फलदायक है। अत्यंत छोटे दो चक्र व वनमाला का चिन्ह वाली शिला श्रीधर भगवान का रूप है। इसकी पूजा से गृहस्थ श्री संपन्न हो जाते हैं। जो शिला मोटी, पूरी गोल व दो बहुत छोटे चक्र वाली हुआ दामोदर के नाम से जानी जाती है। जो शिला वर्तुलाकार, दो चक्र, तरकस और बाढ़ के चिन्ह से सुशुभुद्ध व रण राम के नाम से जानी जाती है। जिस शिला पर सात चक्र, छत्र व तरकस हो, वह भगवान राजराजेश्वर का विग्रह मानी जाती है। इसकी उपासना से मनुष्य को राजा जैसी संपत्ति प्राप्त होती है। 14 चक्रों मेघ श्याम रंग की मोटी शिला को भगवान अनंत कहते हैं। इसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। एक चक्र वाली शिला सुदर्शन, दो चक्र और गौखुर वाली मधुसूदन, दो चक्र और घोड़े के मुख की आकृति वाली हयग्रीव और दो चक्र और विकट रूप वाली शिला नरसिंह कहलाती है। इसकी पूजा से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। जिसमें द्वार देश और दो चक्र और श्री का चिन्ह हो वह वसुदेव, जिसमें बहुत से छोटे छिद्रों व प्रद्युम्न जिसमें दो सटे हुए चक्र हो वह संकर्षण और जो गोलाकार पीले रंग की हो अनिरुद्ध कहलाती है।
कैसे करे भगवान शालग्राम का अभिषेक। एक तांबे की कटोरी या तुलसी में प्लेट में तुलसी रखकर शालग्राम को रखते हैं। फिर शंख में जल भरकर घंटी बजाते हुए श्री विष्णु नमः या ओम नमो भगवते वासुदेव या ओम नमो नारायणाय या पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान शालग्राम का अभिषेक किया जाता है। यदि स्नान कराने वाले जल में इत्र या सफ़ेद चंदन मिला लें तो अत्युत उत्तम है। शालग्राम शिला के स्नान का जल शालग्राम शिलोदक या अष्टांग कहलाता है। शालग्राम शिलोदक को यदि श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जाए तो मनुष्य को कोई रोग नहीं होता, जन्म मृत्यु जरा से छुटकारा मिल जाता है। शालग्राम शिलोदक के पीने से अकाल मृत्यु और अपमृत्यु का नाश हो जाता है। शालग्राम शिलोदक को अपने ऊपर छिड़कने से तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त होता है। मंडासन व्यक्ति के मुख में यदि शालग्राम का जल डाल दिया जाए तो वह भगवान श्रीहरि के चरणों में लीन हो जाता है। इस जल को पीने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं, वह पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान शालग्राम के पूजन में रखे निम्न बातों का ध्यान। शालग्राम जी की पूजा स्त्री को नहीं करनी चाहिए। वह अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण या परिवार के किसी पुरुष सदस्य से शालग्राम की पूजा करवा सकती है। शालग्राम सदैव संख्या में ही पूजे जाते हैं, किंतु दो शालग्राम की पूजा नहीं की जाती। विषम संख्या में पूजा नहीं करने पर भी एक शालग्राम की पूजा करने का विधान है। शालग्राम पूजन से मिलते हैं चमत्कारी लाभ। ये सभी शालग्राम शिलाएं सुख देने वाली होती हैं, क्योंकि जहाँ शालग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्रीहरि श्री लक्ष्मी के साथ सभी तीर्थों में सदैव निवास करते हैं। मनुष्य के बहुत से जन्मों के पुण्य इससे यदि कभी गोष्पद गाय की खुर चिन्ह से तो श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसकी पूजन से पुनर्जन्म नहीं होता। इस शिला की पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि वह काली चिकनी है तो उत्तम मानी गई है। यदि शिला की कालिमा कुछ कम हो तो यह मध्यम श्रेणी की होती है। यदि उसमें दूसरा रंग मिला हो तो मिश्रित फल देने वाली है। शालग्राम शिला के स्पर्श करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। यदि उसका पूजन किया जाए तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या। चारों वेदों को पढ़ने और तपस्या से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त होता है। जिस घर में शालग्राम विराजते हैं वहाँ कोई अशुभ दृष्टि या अशुभ प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। भूल कर भी ना रखें पूजा में यह शालग्राम। शूल के समान नुकुल्य शालिग्राम की पूजा मृत्यु कारक होती है। टेढ़े मुख वाले शालिग्राम की पूजा से दरिद्रता आती है। खंडित चक्र वाले शालिग्राम की पूजा से मनुष्य रोगी हो जाता है। फटे हुए शालिग्राम की पूजा मृत्यु कारक होती है और पिंगल वर्ण के शालिग्राम की पूजा अनिष्ट को जन्म देती है। अतः इन सबकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु की पूजा के लिए शालग्राम पूजा सबसे अच्छी है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।